मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में कल्याणपुर विधायक मनोज यादव ने मनी छपरा पंचायत के पलटू बलवा गांव में मॉडर्न इंडियन पब्लिक स्कूल का फीता काट किया उद्घाटन। वर्तमान सरपंच भारत भूषण सिंह एवं पूर्व मुखिया गुड्डू सिंह भी थे मौके पर मौजूद। विधायक मनोज यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में कमियां ही कमियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा अनमोल रतन है, दुनिया का सबसे अच्छा काम हर गाँव घर के बच्चे पढ़े आगे बढ़े, अपने गाँव का नाम ऊँचा करें। बच्चे ही देश का भविष्य है जो अब समाप्त हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का स्तर गिर रहा है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बने और गांव समाज का नाम ऊंचा करें। वही स्कूल के डायरेक्टर अफसर हाशमी ने कहा कि गांव के गरीब परिवार के बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले। जो बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं उन परिवार के बच्चों को कम खर्च में अच्छा शिक्षा मिले, यही हमारा लक्ष्य है। कहाँ कमी नहीं है, नहीं बताइए, कमी तो खान है सरकार की, मतलब बिहार की जो सरकार है सुशासन बनी, उसमें कमी तो बहुत जाना है और दुनिया में सबसे पुण्य का काम, सबसे अच्छा काम, सबसे उसको जो भी जो सब दीजिए, सबसे बड़ा सब्जेक्ट हर गांव घर के बच्चा लोग पढ़े, शिक्षित हो, आगे बढ़े, अपने गांव का नाम ऊंचा करे, बच्चा लोग की भविष्य है देश का तो खत्म हो रहा है। पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सब हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, होली के बाद हम लोग नए नए विधायक बने हैं, वो सब बाकी है स्कूल सबका रिव्यू करके सब में सुधार लाना है, लोगों के सहयोग कमेटी बना के हाई स्कूल में हम लोग कमेटी बनाते हैं, कल लोग नाम लिख लेता है, वैसे नहीं बनेगा। इन लोगों को कमेटी में जगह दिया जाएगा, उनसे शपथ पत्र पर लिखवाया जाएगा भाई आपका जिम्मेवारी है कि आपके गांव का स्कूल अच्छा से चले। एक्चुअली सर, गांव में विद्यालय खोलने का हमारा मेन पर्पस ये था कि हम चाह रहे गांव के जो लोग ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार से फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे स्कूल में, या चकिया, मेहसी, मुतिहारी, मुजफ्फरपुर, वो एबल नहीं है पढ़ाने के लिए, उनके पास उतना पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात सर ये कि स्कूल का जो नॉर्मल जो कम से कम फीस जो है चकिया या मुतिहारी का तकरीबन 1,000 रुपया है, और इसके अलावा कम से कम ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो है ट्रांसपोर्टिंग का लगभग यहाँ से 1,000 रुपये करते हैं, यानी किसी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए तकरीबन 2,200 रुपये एक्सपेंस करते हैं। तो सर हमारा प्लानिंग ये था कि जो हमारे गांव के जो लोग हैं इसी गांव से बिलोंग।